अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप सब लोग। अभी अभी यार मैंने मैक लिया है, अभी पैक है तो घर की तरफ जा रहा हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अनबॉक्सिंग और इसका एक्सपीरियंस। तो अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो बाय द वे पहले आपको ये बता दूँ कि भाई ये जो मैक मैंने लिया है तकरीबन 996 पाउंड का लिया है और वो कंपनी ने प्रोवाइड किया, कंपनी से मैंने लिया है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो बाद में अनबॉक्सिंग के बाद मैं आप लोग के साथ डिटेल शेयर करूँगा किस तरह कंपनी ने मुझे लैपटॉप प्रोवाइड किया और वो भी एक गिफ्ट वाउचर दिया था, वो रिडीम करके फिर मैंने अभी लैपटॉप लिया है। तो दोस्त भी साथ में, घर जाके फिर आप लोग के साथ इंशाल्लाह एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अच्छा, तो ये जो मैकबुक मैंने लिया ये है तकरीबन, इसमें 8 GB रैम है, M2 चिप है और ये एप्पल मैकबुक एयर है। तो ये मुझे जो मिला है ये मुझे अपनी कंपनी की तरफ से मिला है। मैंने हमारे पास एक कंपनी बेनिफिट्स है जहाँ पे मैं माइटी सिक्योरिटी में काम करता हूँ, हमारे पास एक पोर्टल है वहाँ पर हम डिफरेंट बेनिफिट्स को एक्सेस करते हैं। तो मुझे ज़रूरत थी, मैं वहाँ पर वेबसाइट पर गया अपने बेनिफिट्स में, वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे लैपटॉप चाहिए। तो इसका जो वर्थ है 996 पाउंड है। जब मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो विद इन 2 मिनट HR डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया और मुझे ये वाला जो गिफ्ट कार्ड है ये रिसीव हो गया। तो फिर मैंने क्या करना था, करीज पे जाना था और लैपटॉप सेलेक्ट करना था और रिसीव करना था। तो ये लैपटॉप मैंने क्यों लिया, असल में मसला ये है कि मैं पहले जो था विंडोज लैपटॉप यूज़ करता था और यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास एप्पल का जो एक्सपीरियंस है, जिसको हम मैकबुक कहते हैं, मैकबुक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए विंडोज़। तो विंडोज़ मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन विंडोज़ में आप सबको पता है वल्नरेबिलिटीज ये चीज़ें होती, और मैं अभी प्रोग्रामिंग करता हूँ, वेब डेवलपमेंट करता हूँ, जो विंडोज़ में करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अभी जो मैंने मैक लिया इसको मैंने टेस्ट किया, मैंने चेक किया, अगर आप मतलब स्टार्टर लेवल पे हो, आप मैकबुक लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा M2 चिप ये जो है मैकबुक है, मैकबुक एयर, 8 GB रैम है इसमें और 256 GB SSD है। तो अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक्सटर्नल 500 GB जो SSD होगा या HDD होगा मैं एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकता हूं और यूज़ कर सकता हूं। मेरे ख्याल में ये अच्छा लैपटॉप है। अगर आप लोग भी माइटी के साथ काम कर रहे हो तो आप अपना जो माई डील या माई बेनिफिट्स वेबसाइट है उसको एक्सेस करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इसके लिए जो मेरी कंपनी है वो मुझे चार्ज करेगी हर मंथ, मेरे सैलरी से डिडक्शन होगी 83 पाउंड समथिंग। तो ये विद इन 9 और 10 मंथ्स में ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।